माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही सुंदर है नाता। बस इसी गीत को चरितार्थ किया है सेगांव के भक्तों ने। जैसे ही कड़ाके की सर्दी शुरू हुई और सभी ठंड से कांपने लगे, वैसे माँ भक्त जो माँ को इतना अपना मानता है कि जिस प्रकार मुझे ठंड लग रही है उसी प्रकार माँ को भी ठंड लग रही होगी, ऐसा विचार कर उसने माता रानी को ठंड से बचाने के लिए मैया को शाल उड़ाई। इस प्रकार की भावमय शाल से जगत जननी मैया भी शाल ओढ़कर बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही है। ये सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ निमाड़ के सिगांव के प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर में, जहां सर्दी के मौसम में चारों ओर ठंड की लहर चल रही है। घना कोहरा छाया हुआ, दिन प्रतिदिन तापमान गिर रहा है, लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में मैया को ठंड न लगे, इसलिए उस भोले भक्तों ने माँ को एक शाल उड़ाई। सिगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पंडित जी, ठंड का मौसम है, सबको ठंड लग रही है, तो क्या माता जी को भी साल उड़ाई है? हाँ, माता जी को ठंड लग रही है, हवा चल रही ठंडी। तो क्या साल उड़ाई? हाँ। क्या नाम लिखते आप? दिलीप शर्मा। माता जी को श्रद्धालु द्वारा साल उड़ाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, माता जी को लोग माता जी समझते हैं, अपनी माँ की तरह देखते हैं, और जिस प्रकार प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में ठंड का दौर चल रहा है, लोग कपकपा रहे हैं, तो सभी श्रद्धालुओं ने भी, कुछ लोगों ने सोचा कि माता जी को भी ठंड लग रही होगी, इस प्रकार अपनी माँ को माँ मानते हुए माँ को शाल उड़ाई गई है, ताकि माँ को भी शीतलहर के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। क्या नाम लिखते हैं आप? देवेंद्र मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।